स्टॉक शो में आपका खैर मकदम है। ऑल स्पोर्ट्स एजेंट के की ये जो आप अक्सर नशरात देखते हैं, आज हमारे सामने जो मेहमान है, आज तक मेजबान रहे हैं मेहमान इस गर्ज से क्योंकि काफी देर बाद हमने इसको रियाज साहब को, डॉक्टर रियाज वीरी की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे तारबल क्रिकेट ग्राउंड में खुद खेलते हुए देखा है। आप सबसे पहले इनको मुबारकबाद, आपने आज मगरिब पूरा स्पोर्ट्स को हराया, एक वन साइडेड अफेयर रहा, लेकिन टीम की हम बात नहीं करेंगे, वीरी क्रिकेट एसोसिएशन, वीरी क्रिकेट जो आपकी जो वीरियन क्रिकेट एकेडमी है उसकी तो बात नहीं करेंगे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जानी जाती है। यहाँ पे बात करेंगे आपकी, क्या आपका जो शौक है ये फिर से क्यों आप मैदान में उतरे, आज हमने फील्डिंग करते हुए आपको देखा, बाकी चीजें। बिल्कुल, तो खुर साहब सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं आज 12th मैन था, मैं 11 में नहीं था लेकिन 12th मैन था, मैंने आधे से ज्यादा मैच में फील्डिंग की। अच्छा, तो बुनियादी वजह यह है कि 3 साल पहले मैंने कम्प्लीटली क्रिकेट छोड़ा था, तो मैंने थोड़ा डेवलपमेंट क्रिकेट प्रमोशन की तरफ मैं ज्यादा बढ़ा था, लेकिन मेरे जो हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज अभी डेवलप हुए थे, मतलब फैट्स बढ़ गए थे, इवन बहुत सारी हार्ट डिजीज मुझे अटैक किया था उन्होंने, तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, सबसे पहले जो हम कहते थे ना पुराने जमाने में कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, तो अभी क्या बोलते हैं कि नहीं, इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मुझे लगा कि जो तंदुरुस्ती है ये हजार नियामत है, सेहत अगर सही है तो आपको फिटनेस के लिए ग्राउंड में आना है, अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है, और इवन आज मैं ग्राउंड में आया तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा मतलब अंदरूनी जो बॉडी मेरी रेस्पॉन्स कर रही थी। एक तो बात डॉक्टर साहब ये है कि ग्राउंड में आना कोई भी आ सकता है, दूसरा जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपको खुद देखा है बचपन से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अंडर 19 की बात करते हैं हम, यहाँ पे लोकल लेवल पे, सुपर लेवल पे आप तो अच्छे खिलाड़ी थे माशाल्लाह, ऑफ स्पिन भी डालते थे, बैटिंग भी बढ़िया रनर था, रनिंग इंटरनेशनल मैराथन रन किया, उसको आप 11th प्लेयर आपको हम कब देखेंगे, आपको ऑफ स्पिन इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्मी हूँ, एक मतलब उसूल परस्त इंसान हूँ, मुझे लगा कि शायद मैं अभी 11th पोजिशन पे या टीम 11 में मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं फिलहाल 12th मैन ही रहता हूँ, कुछ मैच 12th मैन एज मैं खेलूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे जब लगेगा कि नहीं मुझमें फिटनेस बराबर है, लेवल अप हो गई है, और जो मतलब मेरी बॉलिंग है आप स्पिन में डालता हूँ उसमें थोड़ी सी अगर मुझे इम्प्रूवमेंट लगी तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में मैं एज ए 11 में खेलूंगा। अच्छा, जहाँ तक तारबल की बात हम मुख्तसरन आपसे पूछेंगे, अब तक आज जो आप पूछते थे खिलाड़ियों को कैसा ग्राउंड लगता है, आपको पिच कैसा है, बिहेव कैसे करते हैं, आप खुद गए आज, बिल्कुल आपको कैसा लगा, किस बहुत सही ग्राउंड है ये, खासकर ये ग्राउंड हमवार है, और अगर आप यहाँ पे जो हमारा जो ट्रैक है जो टर्फ है इसमें न ज्यादा बाउंस बॉल होती है न ज्यादा नीचे रहती है, बिल्कुल जो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं कि परफेक्ट बाउंस बॉल करती है, तो उस तरह की बॉल यहाँ पे जो पिच है वो है, थोड़ा सा हार्ड दिखता है, उससे मैंने ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजर साहब है उनसे गुजारिश की है कि आप इसको पानी वगैरह दिया करिए ताकि थोड़ी सी मतलब जो इसमें शक्ति दिख रही है जो हमें तो वो थोड़ी सी कम हो जाए। आउटफील्ड की मैं अगर बात करूंगा जो हमारा इलाका है ये बिल्कुल यहाँ पे जो जमीन है इसमें कंकर आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, ये बिल्कुल मिट्टी सारी है, और ये जो ग्राउंड है बिल्कुल हमवार ग्राउंड है, थोड़ी सी इसमें अभी भी कमियां हैं, खासकर इस साइड में जो नदी है, इस साइड में जो ये चश्मा है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है, मुख्तलिफ जो सपोर्ट्स एजेंसी से है, तो कुछ ही टाइम के बाद आप देखोगे यहाँ पे फेंसिंग वगैरह होगी, जो भी यहाँ पे जो मतलब ग्राउंड में कहीं पे भी उतार चढ़ाव है तो इंशाल्लाह उस पर हम कोप अप करेंगे। डॉक्टर साहब, ऑल स्पोर्ट्स जेंट के से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे आपकी जो आपका जो जलवा है वो नजर आएगा, इस वक्त इजाजत, खुदा हाफिज़।